जय हिंद साथियों। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ कितने जाने वाला है और इसका मुख्य कारण क्या क्या है, मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग समझेंगे। और दूसरा, बीपीएससी की जो अगली भर्ती आने वाली है वह कब आने वाली है और उसके लिए हम लोगों को कैसे रणनीति बनाकर तैयार करना होगा, इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बीपीएससी पीआरटी के कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों, बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ 48 से अधिक जाने वाला नहीं है। इसका जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यूपी में जब शिक्षक भर्ती आई थी 2017-18 में, तो उस समय जो कट ऑफ गया था वह 66 पर बना था और 66 पर बनने के कारण भी अधिक से अधिक विद्यार्थी उसमें असफल हो गए थे और पूरी तरह से सीट भरा नहीं था। यानी 150 में 66 अंक पर जब कट ऑफ बना था तो उस समय भी पूरी तरह से विद्यार्थी सफल नहीं हो सके थे, यानी पूरी तरह से सीट नहीं भर सका था। उसी के साथ आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे और इसमें जो विकल्प थे और जीएस और मैथ, इसी के आधार पर मेरिट बनने वाली है, तो इसमें कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। जबकि यूपी में जो भर्ती आई थी उसके जो प्रश्न का स्तर था वह निम्न स्तर के थे और साधारण प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ बीपीएससी में आप लोग देखा आप लोगों ने कि प्रश्न का स्तर कैसा था, जब आंसर की नहीं आया था तो जो यूट्यूब चैनल वाले अध्यापक हैं उन्होंने जो आंसर बताया था उसमें 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंट आया, यानी 15% क्वेश्चन का डिफरेंट आया। तो आप लोग इसी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ 48 जनरल से अधिक नहीं जाएगा, यानी 50 से अधिक बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और जो क्राइटेरिया है, जो पासिंग मार्क है, उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। अतः आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, जिनका भी कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं वह अपना निरंतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार कर लें और जिनका स्कोर कम है बिल्कुल, वह आगे आने वाली भर्ती के बारे में अपने आप को अवेयर कर लें और उसके महत्वपूर्ण जो सिलेबस है उसको आप लोग कवर करिए और अपने अच्छे से तैयार कर लीजिए। और साथियों, सितंबर अक्टूबर में यह भर्ती फाइनल हो जाएगी और अक्टूबर के बाद अगली भर्ती आएगी बिहार में लगभग 1,00,000 के आसपास, और उसमें आप सभी लोग सफल होकर एक शिक्षक बन सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग अभी से तैयार करिए, जो सिलेबस है उसका, उस सिलेबस को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए और वहाँ सफल हो जाइए और एक शिक्षक बनिए। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।